નમસ્કાર સ્વાગત છે આપનું ફાઇવ સ્ટાર તડકા પ્રેઝન્ટેડ બાય તિરુપતિ કોટન સીડ ઓઇલ હું છું જિજ્ઞાસા આજે ફરી એકવાર આવી ગયા છીએ અમે પ્રાઇડ પ્લાઝા હોટેલમાં કે જ્યાં આજે આપણે સરસ ગરમ ગરમ હોટ સ્પાઇસી વાનગી શીખવાના છીએ તો ચલો જોઈએ આજના શેફ પાસે તો અમારી સાથે ઉપસ્થિત છે પ્રાઇડ પ્લાઝાના શેફ સાહો સાહો આજે આપણે શું બનાવવાના છીએ આજ હમ બનાયેંગે નમક પારા જિસે તો અત્યાર સુધી તમે શક્કર પારા તો સાંભળ્યું હશે પરંતુ આ નમક પારા શું છે એ જોવા માટે આપણે આ રેસિપી જોવી પડશે આ નમક પારા બનાવવા માટે કયા કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ ઉપયોગ થશે तो नमक पारा के लिए सबसे पहले मैदा है, थोड़ा सा मैदा फ्लावर लेना है और उसके बाद में थोड़ा सा उसमें हमारा घी ऐड करना है और थोड़ा सा ऑयल और सॉल्ट डाल के उसका एक डो लगाना है। उसके बाद हम लोग ना उसको डीप फ्राई करें। सबसे पहले जो नमक पारा होता है, हाँ हम लोग क्या ना उसको मॉर्निंग टाइम में कभी खा सकते हैं, मॉर्निंग टाइम में जब चाय है तो उसके साथ खा सकते, कभी इवनिंग टाइम में होगा उसके साथ में, कभी थोड़ा सा इधर इधर जाने का टाइम निकालने के लिए जब कहीं ट्रैवलिंग करने जा रहा है तो उस हिसाब से थोड़ा सा कभी मतलब चटपटा जैसे थोड़ा टाइम निकालने के लिए वो हम लोग यूज करते हैं और खाते हैं उसको। तो इसके लिए नमक पारा तो बहुत सारी चीज़ का बनता है जैसे स्पाइसी बनता है, चटपटा बनता है। तो मैं आज जो नमक पारा बना रहा हूँ उसमें थोड़ा सा हमने अजवाइन फ्लेवर का नमक पारा बना रहा हूँ। तो हमने उसमें थोड़ा सा सबसे पहले थोड़ा सा हमने मैदा लेंगे, थोड़ा सा जैसा आप वो 1 किलो मैदा ले रहे हैं तो 100 ग्राम आपको उसमें घी ऐड करना है। तो मैंने तो बहुत ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा सा बना रहा हूँ। इसके लिए थोड़ा सा मैंने मैदा लिया तो उसी हिसाब से हमने थोड़ा सा घी लिया है। तो आप बेसिक इसमें थोड़ा सा जैसे डाला घी, नहीं तो देसी घी, नहीं तो अपने घर में नॉर्मल जैसा ऑयल रहता आप वो भी ले सकते हैं। और उसके बाद में हल्का सा आप नमक हिसाब से थोड़ा सा नमक डालना है और बाकी उसमें थोड़ा सा अजवाइन फ्लेवर के लिए अजवाइन डालना है। तो और बाकी इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद थोड़ा सा वाटर डाल के आप उसको थोड़ा सा जैसे थोड़ा सा डोज आपका जैसे घर में जैसे रोटी और फुलका चपाती जैसा बनाता है जैसे डो बनता है उसी तरीका से आप उसको लेना है। तो आप मेरा ये दो तो रेडी हो गया ऑलरेडी। थोड़ा सा उसको लगाने के बाद ना आप उसको आधा घंटा की 15-20 मिनट आप उसको छोड़ देना के। तो ये नमक पारा का हमने डो लगा दिया ऑलरेडी। तो उसको नमक पारा आपने बहुत सारी चीज़ का तरीके से खा सकते हैं, जैसे आप थोड़ा सा इसमें जैसे वो क्रिस्पी थोड़ा सा रहता है आप उसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल के ऐसे खा सकते हैं, नहीं तो उसमें थोड़ा सा आप सॉस डाल के जैसे मेयो हो गया, नहीं तो थोड़ा सा मीठा चटनी, नहीं तो अपना जो पुदीना और कोरिएंडर का मिंट चटनी वो सब लेके आप खा सकते हैं। मैं अभी इसको मैं क्या ना थोड़ा सा डीप फ्राई करने के बाद मैं उसको दो तरीक़े से बना, आप हॉट और कोल्ड जैसे ट्रैवलिंग के लिए जैसे लेंगे तो वैसे नॉर्मल खा सकते, और शाम का टाइम में कभी चाट खाने का मन कर रहा है जैसे चाट बनता है जैसे पापड़ी चाट बनता है, दही बल्ला बनता है, वो उसी तरीके से मैंने वो चाट तरीके से मैं बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमने वो डो मेरा रेडी हो गया, तो हमने थोड़ा सा इसको हल्का सा जैसे रोटी तरीके से मैंने थोड़ा सा इसको बेलना है। हमारे यहाँ जो सातम आठम का फेस्टिवल होता है ना तब घर में बनता है, पर ये शक्कर पारा बनता है जो स्वीट वाला बनता है। हाँ। ये थोड़ा अलग है, नमक वाला। हाँ। नमक पारा थोड़ा स्पाइसी वगैरह होगा ना, सिर्फ नमक वाला नहीं, ये नमक पर थोड़ा सा ये अजवाइनेबल रहेगा। आप इसमें ना थोड़ा सा स्पाइसी चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे तो भी थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा। सेम हम इसमें शक्कर भी यूज होता है तो शक्कर पर जो बोलता है वो भी थोड़ा सा स्वीट रहता है। आजकल सब लोग स्वीट पसंद इतना नहीं करते, जैसे शाम का टाइम में तो चाट बढ़िया सा ऐसा होना चाहिए, तो इसलिए हमने नमक पर बना रहे। तो हम इसी हिसाब से ना थोड़ा हमने नाइफ से इसको तो हमने थोड़ा सा पतला पतला स्लाइस कटिंग करना है। और शेफ हमारे यहाँ चोराफली होता है जो इस टाइप का ही लगता है, स्पाइसी नमक वाला, पर थोड़ी ये छोटी चोराफली हम बोल सकते हैं इसको, पर ये नमक पारा आपके मुताबिक। ओके, तो हम इसको ऐसे डीप फ्राई कर लेंगे। ये तो स्नैक्स में चलेगा ही चलेगा, और इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या बनता है?
तो यहाँ पर हम लोग ने गुजरात में जो सारी फरसान बनता है, जैसे हमारा पास भाकरवड़ी बनता है और फूलबड़ी बनता है, और उसके बाद में हमारा पास में जो गांठिया बनते हैं यहाँ पे वो भी बनता है, और जैसे ब्रेकफास्ट में हम फाफड़ा यूज करते हैं वो फाफड़ा भी बनता है। बहुत सारी चीज़ फरसान बनता है, जैसे ये ड्राई फरसान हो गया, और बाकी आपका जैसे खांडवी हो गया और सैंडविच ढोकला हो गया, नॉर्मल लाइनल खमन हो गया और खमन हो गया, और उसके बाद में ढोकला हो गया, वो सारी हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। तो ये ड्राई फरसान हिसाब से तो ये है, और बाकी वो भी बनाते हैं हम लोग। तो नॉर्मल हमारा ये नमक परा रेडी है, तो आप इसमें नॉर्मल है, इसमें थोड़ा सा जैसे स्पाइसीनेस के लिए आपने थोड़ा सा आप चिल्ली पाउडर डाल के अभी ये यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें ट्रैवलिंग करने के लिए इसी तरीके से यूज करने खाने के लिए बहुत अच्छा लगेगा, टाइम भी निकल जाएगा। लेकिन घर में जब बैठा है उसको खाने के बाद और कुछ खाना है तो फिर इसको हम चाट बना के भी खा सकते हैं। तो चाट हम बनाते हैं इसका, फिर चाट बनाते हैं हम लोग। चाट के लिए आपने क्या क्या लिया? चाट के लिए हमने थोड़ा सा सौंठ चटनी लिया है, और थोड़ा सा हमने मीठा चटनी लिया है, और थोड़ा सा धनिया चटनी लिया है, और बाकी इसमें थोड़ा सा जैसे प्रोमोगेट वगैरह जैसे डाल के अब चाट बनाना है। तो नमक पारा तैयार थी गया है, हमें आपने ने शू करी शू? अभी थोड़ा सा इसको हमने चाट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा नमक पारा हमने ले लिया, और ऊपर से तो नॉर्मल ये थोड़ा सा क्रिस्पी है, और थोड़ा सा हमने सॉस डालेंगे उसमें, जैसे जैसे मैंने चाट बोला था नॉर्मल तो है, इसमें क्रिस्पी है और भी अच्छा लगता है। क्रिस्पी के साथ में हमने थोड़ा सा सॉस ऐड कर लेंगे तो और बहुत अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा हमने मीठा मतलब स्वीट कॉर्न यूज किया है, और हल्का सा हमने थोड़ा सा जो मीठा वाला चटनी यूज किया है, सौंठ चटनी जो बोलते हैं, और उसके बाद में हमने थोड़ा सा स्पाइसी के लिए हल्का सा मैंने चिल्ली पाउडर यूज किया है, और ऊपर से हमने थोड़ा सा मिंट चटनी यूज किया है, और हल्का सा हमने थोड़ा सा प्रोमोगेट यूज किया है, और थोड़ा सा चॉप धनिया, और थोड़ा सा सेव। तो हमारा ये नमक पारा चाट रेडी है, तो ये आप टेस्ट कर सकते हो। थैंक यू। तो तैयार छे एकदम चटाकेदार नमक पारा, हूँ आने ट्राई करूँ, त्यां सुधी तमे ले लो एक नानकड़ो ब्रेक। બ્રેક બાદ ફરી આપનું સ્વાગત છે, અને બ્રેક બાદ ફરી એક નવી વાનગી લઈને આવી ગયા છીએ શેફ, હવે આપણે શું બનાવીશું? અભી હમને બેબીકન ટેમ્પુરા વિથ હોટ ચિલ્લી ગાર્લિક સોસ બના રહા હે। તો સબસે એક્ચ્યુઅલી ટેમ્પુરા એક્ચ્યુઅલી હમને ક્યા આપકો લંચ કે ડિનર કે ટાઈમ મે સ્ટાર્ટર મે જૈસે ખા સકતે, તો ઇસકે લિયે હમને આપ બેબીકન ટેમ્પુરા મેને બના રહા હું। ઓર બેબીકન કા તો બહોત સારી ચીઝ બનતા હે, જૈસે બેબીકન સોલ્ટ એન્ડ પેપર બનતા હે, और उसके बाद बेबीकन का जैसे बहुत सारी सब्ज़ी भी बनता है। तो इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा हटके मैंने स्टार्टर टाइप में हम लोग बना रहे हैं बेबीकन टेम्पुरा। आप बेबीकन टेम्पुरा का जगह में जहाँ पे बेबीकन टेम्पुरा बना रहे हैं आप, वहाँ पे वेजिटेबल का भी टेम्पुरा बना सकते हैं, जैसे कैरेट का टेम्पुरा बना सकते हैं, और कॉलीफ्लावर और सारे मिक्स में जैसे ब्रोकली का भी बना सकते हैं, और उसके बाद बीन्स का भी ले सकते हैं। तो टेम्पुरा बनाने के लिए सबसे पहले अपना टेम्पुरा फ्लावर आता है, तो आप उसमें थोड़ा सा सॉल्ट। मैं वही पूछने वाली थी कि टेम्पुरा क्या है। एक्चुअली टेम्पुरा एक्चुअली जो है वो एक फ्लावर होता है, उसमें आदमी वो स्टार्टर जैसे सर्व किया जाता है, तो उसी हिसाब से आपको स्टार्टर के लिए वो जो फ्लावर रहता है वो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। जैसे हर चीज़ का फ्लावर अलग अलग रहता है, जैसे कॉर्नफ्लावर रहता है और व्हीट फ्लावर रहता है, स्टार
फ्लावर आता है उसी तरीके से ये अपना टेम्पुरा फ्लावर होता है। उसमें थोड़ा जो डीप फ्राई करते हैं हम लोग उसमें थोड़ा सा क्रिस्पीनेस रहता है और सॉफ्ट भी रहता है, दोनों चीज़ मिलता है, तो इसीलिए उसका जो टेम्पुरा फ्लावर हम लोग यूज करते हैं। और अभी कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आपने यूज किए अभी इसमें से ना, तो हमने इसको थोड़ा हमने टेम्पुरा फ्लावर लिया और सॉल्ट लिया, और सबसे पहले मैंने ये बेबीगन को थोड़ा सा ब्रांच कर लिया है और इसको हम अभी डीप फ्राई करना है। तो हल्का सा ये गोल्डन कलर में आ जाएगा। तो नॉर्मल ये बहुत अच्छा क्रिस्पी रहता है और सॉफ्ट भी रहता है, तो और इसमें बहुत स्टार्टर खाने के लिए, जैसे शाम का टाइम है, इवनिंग टाइम, नहीं तो कोई पार्टी में, जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन। तो ये हमारा गोल्डन फ्राई बेबीगन टेम्पुरा रेडी हो गया है, तो उसको मैं थोड़ा सा निकाल देता हूँ। शेफ, अभी तो मॉनसून चल रहा है और ये खाने में अच्छा ही लगेगा, और इसके अलावा मॉनसून में क्या स्पेशल बनता है? मॉनसून में और स्पेशल आप जैसे स्नैक्स टाइप में आप उसको अपना जैसे थोड़ा सा क्रिस्पी फ्राई ये वेजिटेबल बनता है, जैसे सारे वेजिटेबल जैसे आपने डीप फ्राई करके वो बना सकते, क्रिस्पी फ्राई वेजिटेबल हो गया। और उसके बाद में जैसे बेबी कॉर्न का जगह में स्वीट कॉर्न रहता, हल्का सा स्वीट कॉर्न का भी सॉल्ट एंड पेपर बना सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ आप बना सकते हैं, जैसे वेजिटेबल का हो गया। अभी आपने शाम का टाइम में जैसे पाव बाहर से मिलता है, आप बड़ा पाव भी बना सकते हैं, जैसे ओनियन पटाटो भाजिया भी बना सकते हैं। और उसका मैं सबसे यहाँ पे गुजरात में हमने मेथी गोटा, अभी सीजन मेथी आ रहा है तो आप मेथी गोटा भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ आप बना सकते हैं। और उसमें के बाद कोई चीज़ जैसे आप काटी रोल बनाना, जैसे कभी आपको इंडियन स्टाइल में आपको काटी रोल बनाना है, तो उसमें थोड़ा सा आपने जैसे सारी वेजिटेबल हो गया, वेजिटेबल काटी रोल, थोड़ा सा कॉटेज चीज़ डाले, थोड़ा सा ब्रेड में जैसे मैदा का ब्रेड में आपने जैसे रोटी बनाता सेम, उसमें थोड़ा चटनी डाल के आप उसको ले सकते हैं, जैसे काटी रोल जैसे बना सकते हैं। और शेफ, एक चीज़ और भी कि जब भी मॉनसून में कुछ ऐसा बनाए हम फ्राई किया हुआ, तो इतना क्रिस्पी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है, कोई ऐसी ट्रिक है आपके पास कि जो क्रिस्पी रह सके, कोई भी ऐसी फ्राई की हुई जो रेसिपी बनाई है? तो नॉर्मल मैम इसका जो टेम्पुरा पाउडर होता है, फ्लावर होता है, उसका बेसिक जो होता है वो ज़्यादा टाइम तक ये क्रिस्पी रहता है, तो इसके लिए इसका अलग फ्लावर आता है। जैसे हमने बेबी कॉर्न हमने काटा था, हम इस स्पेस में हमने कटिंग किया था, इसका फ्लावर का जो बेस जैसे है था इसके राउंड शेप में ले लिया, तो इसका वही है फ्लावर का जो अच्छा है, तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा टाइम तक क्रिस्पी रहेगा ये। और इसको हमने थोड़ा सा, मेरा बेबी कॉर्न ऑलरेडी टेम्पुरा फ्राई हो चुका है, थोड़ा सा इसको ना, और थोड़ा सा जिसको स्पाइसी जैसे चटपटा खाना है चिली गार्लिक सॉस में हम इसको टॉस करेंगे। हमारा बेबी कॉर्न टेम्पुरा जो डीप फ्राई हो चुका है, तो ये बेसिक आपका थोड़ा सा लेस स्पाइस, मतलब ज़्यादा स्पाइसी नहीं रहेगा, तो किसी को ज़्यादा स्पाइसी खाना है, किसी को कोई सीजनिंग मतलब और थोड़ा सा अच्छा खाना है, तो हमने इसके लिए ना ये चिली गार्लिक सॉस बनाया। जो हमने ये चिली गार्लिक सॉस बनाया, बेसिक थोड़ा सा इसमें गार्लिक रहता है, जैसे थोड़ा सा हमने गार्लिक और थोड़ा सा ओनियन और इसमें से थोड़ा सा टमाटर केचप और थोड़ा सा हमने स्प्रिंग ओनियन चॉप डाल के ये चिली गार्लिक सॉस बनाया। इसमें थोड़ा सा हमने सॉस में हमने थोड़ा सा चिली सॉस डाला, थोड़ा सा हमने सोया सॉस डाला, थोड़ा सा विनेगर डाला है, और ये बहुत बढ़िया का
बढ़िया सा चिल्ली सॉस बनाया, जैसे चिल्ली, इसमें गार्लिक का फ्लेवर भी रहेगा और स्पाइसी का चिल्ली का फ्लेवर रहेगा। तो इसको हमने थोड़ा सा गरम करेंगे, तो अभी हमारा जो चिल्ली गार्लिक सॉस रेडी है, तो इसको हमने थोड़ा सा अलग थोड़ा सा हमने सीजलर में सर्व करने वाला है, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कैबेज का पत्ता ले लिया है। और क्या क्या लिया है गार्निशिंग के लिए? मैंने गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा क्रश पीनट्स ले लिया है और थोड़ा सा स्प्रिंग ओनियन ले लिया और थोड़ा सा फ्राइड चिलीस लिया है। तो जो फ्राई किया हमने, थोड़ा सा बेबीकन हम इसी तरीके से लगा देंगे। और ये थोड़ा सा चटपटा खट्टा मीठा स्पाइसी चिल्ली गार्लिक सॉस भी रेडी आ जाएगा, तो इसका क्रिस्पी का ऊपर बोर्ड। थोड़ा सा स्प्रिंग ओनियन ऐड किया मैंने, तो ये अपना चिल्ली गार्लिक बेबीकन टेम्पुरा रेडी है, तो आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। तो रेडी है अपनी हॉट एंड स्पाइसी बेबीकॉर्न टेम्पुरा रेसिपी। હોટ એન્ડ સ્પાઈસી અને ચટાકેદાર આટલી સરસ રેસિપી માટે શેફ તમને મળે છે તિરુપતિ કોટન સીડ ઓઇલ તરફથી આ ગિફ્ટ હેમ્પર। થેન્ક યુ। આ ગિફ્ટના પ્રાયોજક છે તિરુપતિ કોટન સીડ ઓઇલ। આઈ હોપ કે આજની વાનગી તમને પસંદ આવી હશે, કેમ કે દર વખતે અમે એક નવી જ વાનગી તમારા સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ, અને જો આજની વાનગી પસંદ આવી હોય અને એમાં પણ જો આજે ઘરે મહેમાન હોય તો ચોક્કસથી આ બંને રેસિપી ટ્રાય કરજો અને રાહ જોજો નેક્સ્ટ એપિસોડની।